मेरा नाम सुदीप है। मैं एक लड़की को पसंद करता था। वो मेरी बहन की सहेली थी और अक्सर हमारे घर आती थी। वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसका नाम रिंकी था और वो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। उसका घर भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उसे रोज़ कॉलेज से आते देखता था। हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया था। रिंकी के दो भाई सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे, पर क्योंकि रिंकी को पढ़ना पसंद था इसलिए उसके पिता ने उसे एक प्राइवेट स्कूल में भेजा था। उसे बहुत अमीर बनना था। 2 साल पहले ही हम दोनों की सगाई हुई थी। मैं पहले से ही उसके घर आता जाता रहता था। उसके भाई के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। उसके पिता एक जगह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और बड़ी ही मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते थे। रिंकी के बड़े भाई के साथ मेरी बहन का रिश्ता भी तय हो गया था। मैं नौकरी की तलाश में था। मुझे एक मैकेनिक की दुकान में नौकरी मिल गई थी। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए मुझे कहीं और अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल था। एक दिन मैं रिंकी के लिए कुछ चूड़ियाँ और जलेबी ले गया। मुझे देख उसकी माँ बहुत खुश हुई कि मैं उनकी बेटी का इतना ख्याल रखता हूँ। फिर मैंने उन लोगों को बताया कि मेरी नौकरी लग गई है। मैंने वो चूड़ियाँ रिंकी की माँ को दे दी और रिंकी को देने के लिए कहा। मैं कई बार ऐसे छोटे छोटे तोहफे उसके लिए ले जाता था और वो भी थोड़ा तामझाम दिखाकर वो गिफ्ट ले लेती थी, क्योंकि उसे भी वो चीज़ें पसंद आती थी। मेरी दी हुई चूड़ियाँ वो कॉलेज पहन कर जाती थी। जब मैं चूड़ियाँ देने गया तब आंटी ने उससे कहा कि सुदीप की नौकरी लग गई है, इसी खुशी में वो तुम्हारे लिए जलेबी और चूड़ियाँ लाया है, जाओ उसके लिए चाय बना कर लाओ। इस पर रिंकी ने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, तुम ही बना दो। आगे आंटी को शायद उससे और भी कुछ कहना था, पर मैंने ही बहाना बनाया कि मुझे देर हो रही है, फिर कभी फुर्सत में आऊँगा चाय पीने। थोड़ी दूर आने पर मुझे याद आया कि जल्दी जल्दी में मेरा फ़ोन उन्हीं के घर पर रह गया। जब मैं दोबारा रिंकी के घर पहुँचा तो देखा रिंकी वो चूड़ियाँ पहने खड़ी थी। मैंने कहा, मुझे पता था तुम्हें ये चूड़ियाँ पसंद आएंगी। पर उसने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा कि मुझे ये कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं हैं, सोने की चूड़ियाँ चाहिए मुझे। अगर सोने की चूड़ियाँ लाते तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई होती। और उसने वो चूड़ियाँ निकाल कर टेबल पर रख दी। आंटी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मेरा दिल ही टूट गया था उसके ऐसे व्यवहार से। हमारे घर वाले हमारी शादी की जल्दबाजी कर रहे थे, लेकिन रिंकी इस शादी को टाल रही थी। पर मुझे उसके इनकार की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। पर आंटी ने उसे बहुत समझाया कि खुद को राजकुमारी या अमीर ख़ानदान की मत समझो कि कोई राजकुमार तुम्हें लेने आएगा। हम गरीब हैं इसलिए जितनी चादर है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए, और इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। ये दिन भी गुजर जाएंगे, बस जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो। सुदीप तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। सोचो, अगर अभी वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है तो शादी के बाद कितना ध्यान रखेगा तुम्हारा। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पर वो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी इज्जत करता है। और एक पत्नी को अपने पति से इन्हीं 2 चीज़ों की उम्मीद होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की जिसकी अमीर परिवार में शादी हुई हो वो सुखी ही हो। सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ तकलीफ होती ही है। और जैसे तुम सपने देख रही हो वो सब फिल्मों और टीवी में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। अपने गरीब माँ बाप को और तकलीफ मत दो। अमीर लड़के से शादी के सपने छोड़ दो और सुदीप जैसे हीरे की कदर करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतने महंगे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा और तुम हमारी नाक कटवा रही हो। मैं अगले ही महीने में तुम्हारी शादी की तारीख तय करवा दूंगी। रिंकी अपनी माँ की बातों से परेशान हो गई थी और दीवार के एक कोने में जाकर बुदबुदाने लगी कि ये लोग मेरी शादी किसी अमीर घर के लड़के से नहीं होने देंगे, इसीलिए अभी मैं चुपचाप सुदीप से शादी कर लेती हूँ और शादी के बाद अपने सारे सपने पूरे कर लूँगी। मैं अपने सपनों की कुर्बानी नहीं दूँगी। सोशल मीडिया की मदद से मैं अपने सपने ज़रूर पूरा करूँगी। वहाँ जाने के बाद मैं अपने वीडियोज और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगी और मशहूर हो जाऊँगी। इधर माँ मुझे ऐसा कुछ करने नहीं देगी। सुदीप से शादी करके मैं महंगा फ़ोन खरीदूँगी और उसी से रील्स बनाऊँगी। मैंने रिंकी की ये सारी बातें सुन ली थी। अब रिंकी को फ़ोन दिलाने के लिए मैं मालिक से बात करने गया। तब वहाँ साथ में काम करने वाले एक लड़के ने कहा कि भैया आप बहुत मेहनत करते हो,
और ये मालिक को भी नजर आता है, देखना वो जरूर तुम्हारी बातों पर गौर करेंगे, और क्या पता कि मालिक तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दें। तब मैंने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर मुझे पैसों की ज़रूरत अभी है। तब वो लड़का कहने लगा कि एक व्यापारी है जो ब्याज पर पैसे देता है, पर उसे समय पर पैसे वापस देने पड़ते हैं। ये सुनकर मैं तुरंत राजी हो गया, ठीक है फिर शाम को चलते हैं। हम दोनों शाम को उस व्यापारी के पास गए और पहचान होने के कारण उस व्यापारी ने मुझे पैसे भी दे दिए। मैं उन पैसों को देखकर फूला नहीं समा रहा था। सबसे पहले मैंने रिंकी के लिए आईफोन खरीदा और सीधा उसके पास पहुंचा। रिंकी उस फ़ोन को देखकर उछल पड़ी। थोड़ी देर बाद ही वो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई और बोली कि सुदीप, अभी हमारी शादी को काफ़ी दिन बाकी हैं और तुम अभी मेरे लिए आईफोन ले आए हो। मैंने कहा, पर तुम ये ज्योति को मत बताना, वरना उसे लगेगा कि भैया मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाए और होने वाली बीबी को आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया अगर पता चल गया तो? लेकिन मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी कि अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, कह दूंगी मेरे कॉलेज के एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है जो बहुत अमीर है। मैंने वो फ़ोन रिंकी को दिया और खिन्न मन से वापस घर लौट आया। समय बीता और हमारी शादी हो गई। मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है, मेरा प्यार मेरी बीबी के रूप में मेरे सामने बैठा था। कुछ दिन तो सही से बीते, पर धीरे धीरे रिंकी में बदलाव नज़र आने लगा और उस पर अब अमीर बनने का भूत सवार होने लगा। फिर भी हमने उसके इस पागलपन को अनदेखा किया। 1.5 साल बाद रिंकी ने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया, पर उसके दिमाग से अमीर बनने के सपने नहीं गए थे। उसे अब अपने बेटी की भविष्य की चिंता होने लगी थी। उसकी माँ उसे कहती भी कि अगर तुझे इतनी ही चिंता है तो तू भी कहीं नौकरी कर ले, सुदीप को भी मदद मिल जाएगी और तेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। वो बेचारा अंधेरे ही चला जाता है और शादी में जो कर्ज हुआ था उसे चुकाने के लिए देर रात घर आता है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? रिंकी बोली, माँ मैंने पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की है, बल्कि किसी अमीर घर की बहू बनने के लिए की है, और मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। दूसरी तरफ मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और सीधी साधी थी। वो अक्सर मुझसे कहती कि बेटा, ना तो तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम करती है और ना ही मुझे पोती को हाथ लगाने देती है, बस दिन भर फोन में लगी रहती है। जब मैं रिंकी से पूछता तो कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अनपढ़ गंवार माँ की परछाई मेरी बेटी पर पड़े, और अगर मैं कुछ कहता तो मुझे मेरी गरीबी और कम पढ़े लिखे होने का ताना मारती। मेरी बेटी अपनी माँ के डर की वजह से मेरे और अपनी दादी के पास नहीं जाती थी। रिंकी दिन भर बस रील्स बनाती रहती और सोशल मीडिया पर डालती रहती। एक दिन एक लड़के ने रिंकी को सोशल मीडिया के जरिए प्रपोज किया। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बताया कि वो बहुत अमीर है और उसका खुद का बहुत बड़ा बंगला है। रिंकी भी राजी हो गई। वो उस लड़के को हमारी गरीबी के बारे में भी बताती रहती। एक दिन मेरी माँ उसके मायके गई और उसकी माँ से इस बारे में शिकायत भी की कि वो दिन भर किसी से बातें करती रहती है, पर माँ ने मुझे ये सब नहीं बताया था। रिंकी अपने मायके भी नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ उसकी माँ उसे हर बात पर टोकती रहती थी। अब वो अपने प्रेमी से चुपचाप मिलने लगी। उसका बड़ा घर और गाड़ियाँ देखकर वो हैरान थी और उसे भी ऐसा ही लड़का चाहिए था। उस लड़के ने उसे अपना घर दिखाया और कहा कि अपने पति को तलाक दे दूँ और मुझसे शादी कर लूँ, तुम हमेशा यहाँ ऐसो आराम में रहोगी। फिर रिंकी ने उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें मुझे मेरी बेटी के साथ अपनाना होगा, और वो राजी हो गया। अब रिंकी मुझसे किसी न किसी बात को लेकर लड़ने लगी थी क्योंकि उसे मुझसे तलाक चाहिए था, पर मैंने उसकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन रिंकी मेरी बेटी को लेकर घर से भाग गई। सुबह जब उठा तो रिंकी और मेरी बेटी दोनों ही बेड पर नहीं थे। मैंने और माँ ने बहुत ढूंढा पर दोनों कहीं नहीं मिले। मैंने उसके मायके फ़ोन किया तो उन्हें भी कुछ पता नहीं था। वो लोग घबरा कर हमारे ही घर आ गए। मैंने रिंकी को फ़ोन भी लगाया पर उसका नंबर बंद आ रहा था। 2 दिन हमारे बहुत ही चिंता में बीते। 3रे दिन उसका फ़ोन आया। उसकी माँ ने तुरंत फ़ोन मुझसे लेकर स्पीकर पर डाला और कहने लगी, नालायक लड़की कहाँ है तू? एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा ऐसा कुछ करने से पहले। तब रिंकी कहने लगी कि आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तुम लोगों ने सुदीप जैसे लड़के से मेरी शादी करवा कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं उस गरीब लड़के से और गरीबी से तंग आ चुकी थी और मुझे अब मेरे मन के हिसाब से एक अमीर लड़का मिल गया है, और तो और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बेटी को भी अपना रहा है। इसीलिए अब मुझे सुदीप से तलाक चाहिए, मुझे अब उस गरीबी में वापस नहीं लौटना है। मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीने दो, मुझे अब तुम सबसे आज़ादी चाहिए। ये सुनकर तो मैं टूट सा गया था और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब मैंने कहा कि रिंकी जो कुछ कर रही है उसके आप सभी गवाह हो, और रिंकी ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद होना ही बेहतर है। रिंकी के पापा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनकी लड़की ने उनकी इज्जत पैरों तले रौंद दी थी। वो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे उनकी बेटी के किए की, पर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। वो मुझसे कहने लगे कि तुम हमारे बेटे जैसे हो और वैसे ही रहोगे। मैं ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, पर कहूँ तो कहूँ किससे। मैंने रिंकी को तलाक के कागजात भी भेज दिए थे और अब वो मेरी तरफ से आज़ाद थी। अगले दिन से मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने लगा था। जब काम पर पहुंचा तो वो व्यापारी पैसे लेने के लिए आया हुआ था और मुझ पर चिल्लाए जा रहा था, क्योंकि इस महीने उसे पैसे समय पर नहीं मिले थे। पर जब उसने मेरा उदास चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ है, कोई बात है क्या। मालिक भी हमारी बातें सुन रहा था और वो भी मुझसे पूछने लगा कि आज तक हमने तुम्हें इतने टेंशन में नहीं देखा है, कोई बात है क्या। तब मैंने मालिक को सारी बातें बताई, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये पैसे चुकाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। मैंने व्यापारी से कहा कि मुझे पता है आप पैसे लेने आए हैं और मुझे चार बातें सुनाने आए हैं, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तब वो बोला कि तुम मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि अगर आपको मुझे अपमानित करना है या मारना है तो यहाँ कर लीजिए। तब वो बोला कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तुम मुझे एक ईमानदार और सच्चे इंसान लगे हो। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैं उसके घर पहुँचा तो उसने अपनी लड़की से मिलवाया और कहा कि मेरी लड़की सीधी साधी है, उसका पति और उसके घर वाले उसे बहुत तंग करते थे पैसों के लिए। मैंने अपनी तरफ से उन्हें बहुत पैसों की मदद की, पर उनका लालच ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बदले में वो मेरी बेटी के साथ बहुत मारपीट करते थे। बस इसीलिए मैंने अपनी बेटी को वापस वहाँ भेजा ही नहीं। क्या तुम उसे अपने घर और अपने जीवन में जगह दे सकते हो? तुम्हें पैसे लौटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें कोई व्यवसाय भी शुरू करवा दूँगा। मेरे पास पैसा तो बहुत है, पर अपनी बेटी को दुखी देख कर मैं सुखी नहीं हूँ। मैं ये सब सुनकर हैरान था और उसकी बेटी की आंखों में आंसू थे। मैंने घर जाकर सारी बातें माँ को बताई। माँ का बस इतना ही कहना था कि लड़की रिंकी जैसी ना निकले। बाद में दोनों परिवारों की बातचीत होकर हमारी शादी हो गई और रिंकी को मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका था। शादी के गिफ्ट के तौर पर व्यापारी ने मुझे गाड़ी दी। मैंने बहुत मना किया, पर वे दोनों पति पत्नी मान ही नहीं रहे थे। कहने लगे कि आज के बाद तुम हमारे दामाद नहीं, बेटे हो। जब मैं घर पहुंचा, तो रिंकी के घर वाले भी घर आए हुए थे। उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि सुदीप जैसा लड़का मिला। मेरी पत्नी उजाला बहुत ही अच्छी और सभ्य लड़की थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी उजाला से, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब मैंने बाइक सर्विस की दुकान भी खोल ली थी और मेरा व्यवसाय भी अच्छे से चल रहा था। मेरी गरीबी दूर हो गई थी। रिंकी को उसके किए की सज़ा मिली। उसके घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और वो लड़का कोई अमीर परिवार का नहीं था, बल्कि उस बंगले में काम करता था, और उसने रिंकी को उस बंगले में काम करने के लिए लगा दिया था, बहू बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर। रिंकी को अब बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसने मुझसे भी कई बार बात करने की कोशिश की। वो लड़का उसकी इज्जत से खिलवाड़ करके कहीं और चला गया। जब रिंकी के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो हार कर उसने आत्महत्या कर ली। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उजाला को लेकर उस बंगले पर पहुंचा। मेरी पत्नी ने खुशी खुशी मेरी बेटी को अपना लिया। अब वो भी माँ बनने वाली थी। कुछ समय बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब मेरा परिवार पूरा हो चुका था। मैं अपनी दोनों बेटियों
उजाला और माँ के साथ बहुत खुश हूँ। इंसान स्वार्थ में अंधा होकर अपने जीवन में गलत रास्ते पर निकल पड़ता है और लास्ट में रिंकी जैसा भयानक कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। तो हमेशा अपने माता पिता की बात मानें और अपने करीबी रिश्तों में प्यार घोलें, ना कि अविश्वास। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।